अभी 2 ही साल हुए हैं हमारी सरकार बने हुए, 2 साल तो कुछ भी नहीं होते। उसके पहले 75 साल आपने इस पार्टी को भी मौका दिया, इस पार्टी को भी मौका दिया, और इन दोनों पार्टियों ने मिलके बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का। अब जब हमने संभाली सरकार तो पता चला कि पंजाब का कितना बुरा हाल था। आप लोगों से छिपाने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, आप सारे पढ़े लिखे लोग हो, व्यापारी लोग हो, कारोबारी लोग हो, आपको सब पता है कि कितना बुरा हाल था। हमारी पार्टी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, कारोबारियों को बहुत ज़्यादा इज्जत देती है, तवज्जो देती है। ये इस बात से साबित होता है कि जैसे ही दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, मैं सीधे पंजाब आया और पंजाब आके सबसे पहली मीटिंग मैंने व्यापारियों और कारोबारियों के साथ करी, उसके बाद मैं जनता के बीच में गया। और आजकल रोज मैं जिस शहर में होता हूं, इस वक्त तो चुनाव के दौरान नेता बड़े बड़े रोड शो कर रहे होते हैं, बड़े बड़ी सभाएं कर रहे होते हैं, पब्लिक रैली कर रहे होते हैं, मैं रोज सवेरे 12 बजे जिस शहर में होता हूं उस शहर के कारोबारियों से और व्यापारियों से सबसे पहले मिलता हूं। अभी 2 ही साल हुए हैं हमारी सरकार बने हुए, 2 साल तो कुछ भी नहीं होते। उसके पहले 75 साल आपने इस पार्टी को भी मौका दिया, इस पार्टी को भी मौका दिया, और इन दोनों पार्टियों ने मिलके बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का। अब जब हमने संभाली सरकार तो पता चला कि पंजाब का कितना बुरा हाल था। आप लोगों से छिपाने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, आप सारे पढ़े लिखे लोग हो, व्यापारी लोग हो, कारोबारी लोग हो, आपको सब पता है कि कितना बुरा हाल था। हमारी पार्टी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, कारोबारियों को बहुत ज़्यादा इज्जत देती है, तवज्जो देती है। ये इस बात से साबित होता है कि जैसे ही दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, मैं सीधे पंजाब आया और पंजाब आके सबसे पहली मीटिंग मैंने व्यापारियों और कारोबारियों के साथ करी, उसके बाद मैं जनता के बीच में गया। और आजकल रोज मैं जिस शहर में होता हूं, इस वक्त तो चुनाव के दौरान नेता बड़े बड़े रोड शो कर रहे होते हैं, बड़े बड़ी सभाएं कर रहे होते हैं, पब्लिक रैली कर रहे होते हैं, मैं रोज सवेरे 12 बजे जिस शहर में होता हूं उस शहर के कारोबारियों से और व्यापारियों से सबसे पहले मिलता हूं।